नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी बहुत दिनों से कह भी रहे थे कि आप एक ही टाइम का रूटीन दिखाते हैं लेकिन दूसरे टाइम का रूटीन आप नहीं दिखाते हैं, शाम का रूटीन। तो आज मैं आप सभी के साथ शाम का ही रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं कभी भी चूल्हे पर जो खाना होता है वो रात में कभी नहीं बनाती हूँ, बाई दुबे ही अगर कुछ जैसे जिसमें ज़्यादा समय लगना होता है वो चाहे चूल्हे पर बना लूँगी, अगर टाइम रहता है उजाले उजाले में तो बना लेती हूँ। वैसे बना चूल्हे पे खाना शाम को मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और सब्जी मैंने बना ली है। तो सब्जी मैंने बनाई है आज शिमला मिर्च की, और सिंपली जो शिमला मिर्च की सब्जी होती है वही बनाई है। और यहाँ पे मैंने आस्था का ये खाना लगा दिया है क्योंकि वो बिना खाए सो जाती है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं आस्था भी यहाँ पे आ जाएगी और अपना खाना जो लेके है और चली जाएगी। और इसके बाद मैं रात का जो रूटीन है वो शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये देखिए बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, लगभग ना कुछ तो 6-5:30 बज रहा होगा, क्योंकि आजकल चाहे जितना भी दिन निकल आए लेकिन सूरज नहीं निकलता है टाइम पे। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह थी और बहुत ठंड लग रही थी, शॉल ओढ़ रखी है मैंने, चाय बना रही हूँ और आस्था के पापा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हाथ मुंह धो लिया था मैंने, झाड़ू लगा ली थी, यही काम होता है रोज़ सुबह का कि झाड़ू तो लगानी ही लगानी होती पूरे आंगन में। तो यहाँ पे हम तीनों की चाय मैंने बना दी है। आस्था भी इन दिनों चाय पीती है लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उसकी चाय में दूध डाल देती हूँ। लेकिन आस्था के पापा कभी कदाल ही चाय पीते हैं, कभी कदाल, वैसे हमेशा चाय नहीं पीते हैं। और चाय आए पीने के बाद अभी मैं खाना ना नहीं बनाई, मैंने सोचा पहले क्यों ना घर की सफाई कर ली जाए। तो यहाँ पे आस्था देख रही है टीवी और ठंड इतनी है कि आस्था एकदम चादर अदर ओढ़ के, जो कंबल है वो ओढ़ के टीवी देख रही है और मैं सारे बिस्तर जो है लगा रही हूँ, सजा रही हूँ। तो हमारे यहाँ दो खटोली रहती है, ये मिट्टी वाला कमरा है, पूरा ही मिट्टी का बना हुआ कमरा है और चूने से इसमें ग्रीन कलर से पेंट कर रखा है। तो बिल्कुल देख के आपको ना वैसे देख के नहीं लगता होगा कि मिट्टी वाला कमरा है, लेकिन ये है मिट्टी वाला और बहुत ही बढ़िया है। आपको सर्दियों में यहाँ बिल्कुल आराम रहता है, सर्दियों में गर्म बना रहता है और जब गर्मी आती है तो ये बिल्कुल आप कूलर ही चला लीजिए तो कूलर आपका एसी का काम करेगी, ऐसा ठंडक बनाता है गर्मियों में। और चाहे कूलर ना भी चलाएं, नॉर्मल फ़ैन होगा तो भी ठंडी ही हवा देगी। तो ये कच्चे घर मकानों की बहुत खासियत है और बहुत मतलब बढ़िया है। तो मैं फिर भी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा मिट्टी का घर है कमरा है जो मेरे लिए सही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ की पूरी सफाई कर दे रही हूँ, बिस्तर मैंने लगा ही दिए, सजा ही दिए हैं और झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रखा है चूल्हे के ऊपर, थाली रख रखी है ढक के। तो थाली ढक के नहीं रखी थी, कढ़ाई ढक रखी थी, इसमें चावल बन रहे थे और इसलिए ढक दिया था ताकि चावल जो है अच्छी तरीके से पक जाएं भाप में, ऊपर के भी चावल जो होते हैं वो पक जाएं अच्छी तरीके से। तो आप कहेंगे कि आपने कढ़ाई में ही चावल बना लिया, तो वो इसलिए क्योंकि पतीले में मैंने चाय बना ली थी तो कढ़ाई खाली थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी में बना लिया जाए, तो इसमें मैंने बना दिया। और यहाँ पे दूसरी कढ़ाई ले ली है और मैं चावल को फ्राई कर दूंगी। तो फ्राइड राइस आज बना रही हूँ और फ्राइड राइस बनाने के लिए आज मेरे पास जितने भी सामान थे सब उपलब्ध थे। वैसे तो होते नहीं, कभी कुछ नहीं रहता कभी कुछ नहीं रहता, तो ऐसा हो जाता है फ्राइड राइस बनाने के लिए, लेकिन आज सब कुछ था। शिमला मिर्च, गोभी, मटर, ये तीनों चीज़ ना हमेशा नहीं होती है मेरे घरों पर लेकिन आज है। तो ये देखिए सारी चीज़ मैंने धुल ली थी, यहाँ तक कि शिमला मिर्च भी काट के मैंने धो लिया था। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ प्याज और मिर्ची को जब मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें आलू गोभी और शिमला मिर्च फ्राई कर दी हैं और थोड़े देर ढक के छोड़ दिया कि अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे आ गई थी लकड़ियाँ लेने, तो ये देखिए पक गए हैं और नरम से हो गए हैं। अब मैं इनमें डाल दूँगी चावल और मैंने इसमें मसाला एक भी यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपली सिर्फ सब्जियों के स्वाद के लिए ये बनाया कि पूरी सब्जियों का टेस्ट ही चावल को जो है अच्छा एक टेस्ट देगा। और मसाला यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, सिर्फ नमक डाला है मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला इन सब्जियों के अलावा। जब घर में करनी हो गैस की बचत तो मैं हमेशा ना ये काम किया करती हूँ, चूल्हे में खाना बनाती हूँ और गैस बचत होती है उससे। और मैं क्या करती हूँ कि ये मैंने देखिए आज कुकर जो है चूल्हे पे चढ़ा रखा है और
कुकर काला ना हो इसलिए मैंने चूल्हे पे लेवा लगा दिया है ताकि जो कुकर है वो हमारा वाइट का वाइट रहे, काला ना हो। और जैसे काला हो जाता है तो गंदा दिखने लग जाता है, कढ़ाई तो मानो चल जाएगी लेकिन अगर कुकर वैसे पूरा काला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने पूरे कुकर में लेवा लगा दिया था और दाल चढ़ा रखी थी। दाल जो है मेरी बन गई थी और यहाँ पे दाल छौंकने लगी हूँ, और दाल छौंकने में मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मिर्ची प्याज जीरे और यहाँ पे टमाटर काट के रखा है। दाल चूल्हे में ना बहुत अच्छा पकता है, चाहे आप पतीले पे पकाइए चाहे कुकर में पकाइए, बहुत बढ़िया धीमी धीमी आँच पे जब वो पकता है ना तो एक अलग ही स्वाद होता है। और हमारे घर में ना बहुत कम दाल बनती है, आप हमेशा वीडियो में देखा करते हैं कि सब्ज़ी बनती है, तो आज मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए हैं और चटनी बनाई थी और चावल जो है फ्राई किए थे, और मैंने कुछ खाने में नहीं बनाया, रोटी नहीं बनाई थी आज, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि मैंने रोटी नहीं बनाई है। और अब देखिए आ गई हूँ पूरी किचन की सफाई करने, खाना पीना वगैरह बन गया था, लोटे में थोड़ी सी चाय मैंने चढ़ा दी थी अपने लिए और गिलास में रख के साइड कर दी है, और काम करते करते मैं भूल जाऊँगी कि मेरी चाय रखी हुई है, मैंने चाय तो रख दी छान के लेकिन अब मैं भूल जाऊँगी। और इधर उधर काम कर रही हूँ और अचानक से जब इस पर कुछ भी हाथ वात पड़ेगा जब मुझे ध्यान आता है कि ओ मेरी चाय भी रखी हुई है अभी यहाँ पे, और तो ये हो जाता है, इतना बिजी हो जाते हैं काम में कि कुछ समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने जो चाय थी वो बना ली है और चूल्हे की राख निकाल के मैंने उस गुर्सी में भर के रख दिया है, इसलिए भर के रख देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी आस्था है वो बाय द वे खेलती रहती है तो उसका हाथ वात ना लग जाए चूल्हे पे, कभी बाय द वे कुछ कर रही हो और हाथ ना जल जाए उसका, क्योंकि इससे पहले भी मेरी बेटी का हाथ 2 बार जल चुका है लेकिन उस समय मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरी बेटी गांव में थी और मैं शहर में थी, तो 5 साल मैं 5 साल नहीं 3 साल मैं अपनी बेटी से दूर रही हूँ स्टार्टिंग में, तो ऐसा हुआ था। तो उसी दिन से बहुत डर लगता है कि कहीं हादसा का हाथ जो है चूल्हे उल्हे में ना पड़ जाए, इसलिए कुर्सी में भर के मैं आग को रख देती हूँ, बिल्कुल एक कोने में रखती हूँ जहाँ वो बिल्कुल भी छू ना पाए, और अगर वो आती भी है तो फिर मैं उसे ध्यान दिला देती हूँ कि बेटा यहाँ पे चूल्हा आग रखा है, चूल्हे की आग रखी है, तुम छू ना देना। तो ये देखिए मैंने पूरे किचन की जो सफाई है वो मैंने कर दी है और चाय रख दी है मैंने अपनी, और मैं भूल चुकी हूँ पूरी तरीके से, और यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है, किचन की तरफ लगा दिया है, अभी किचन का बाहर का एरिया है और उसके बाद दुकान वाले कमरे का एरिया है, तो यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी। वैसे यहाँ सुबह मैंने बहुत अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी थी लेकिन एक बार फिर से दोबारा झाड़ू लगा दूंगी ताकि पूरे दिन धूल मिट्टी से बचें, कपड़ों में उड़ उड़ के जाते हैं वैसे अगर यहाँ पे ज़मीन पे ही पड़े रहेंगे तो, इसलिए अच्छी तरीके से इतनी क्लीन करके मैं झाड़ू लगाती हूँ ना कि पूरे दिन धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। और आज यहाँ जो किनारे पे लकड़ियाँ रखी हुई थी लेकिन वो अच्छे से रखी नहीं थी तो मैंने इन सारी लकड़ियों को वहाँ से हटाया और उन्हें भी साफ कर दिया था मैंने, और जो भी लकड़ियों के नीचे कचरा आ रहा था धूल मिट्टी आ रहे थे, और गांव है यहाँ पे तो कीड़े भी हो जाते हैं जैसे कि मौसम के कीड़े हो जाते हैं, अभी ठंडक है सर्दीला मौसम है तो सर्दीले वाले कीड़े ना ऐसे छुप छुप के बैठ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने बहुत दिनों से एक कोना साफ़ नहीं किया है तो आप उसे साफ़ कर दें। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इन चबूतरों पे मिट्टी की लिपाई करने क्योंकि जो चूने की लिपाई थी वो हटने लगी है अब धीरे धीरे, तो मैंने सोचा दोबारा इस पे चूने की लिपाई मैं कर दूंगी लेकिन पहले एक बार मैं मिट्टी से लिपाई इस पे कर दूं, उसके बाद जब दोबारा चूने से हम करेंगे तो वो एक बार फिर से महीने दिन के लिए मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कमज़ोर पड़ जाता है और हाथ वात पड़ने पर वो छूटने लगता है तो वो सही नहीं रहता। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से लिपाई कर दी है और आप यहाँ नीचे कोने कोने में देख रहे होंगे वो छेद छेद से बने हुए हैं जैसे कि कीड़े ना अंदर बैठ जाते हैं जाके और मिट्टी वहाँ की निकाल देते हैं बाहर की तरफ, तो ऐसा हो जाता है, चाहे जितनी भी आप सफाई कर लीजिए लेकिन गांव में ये सब चीज़ें हो ही जाती हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी से लीप दिया ताकि वो ताकि यहाँ पर सही दिखने लगे, और उसके बाद दोबारा चूने से मैं इन सभी पर चूना फेर दूँगी। मैं सच बताऊं तो मुझे ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे,
हैं, और मैं बराबर सफाई करती रहती हूँ। और सब लोग मेरी इस चीज़ पे ना ये कहते हैं कि देखो ये शहर की लड़की है, इसे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ये सब भी कर पाएगी। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ कि जहाँ चाह होती है वहीं रहा होती है। अगर नहीं आना होता मुझे ये चीज़, तो चाहे गांव की लड़की होती तब भी मैं नहीं कर पाती। अगर क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता तो मैं कैसे करती, लेकिन मेरा मन रहता है ये सब करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरी मम्मी ने भी ये सब काम ना नहीं किया है, लेकिन मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मेरी मम्मी देखती होंगी तो क्या कहती होंगी। लेकिन कोई नहीं, जो काम आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। पोतिया है यहाँ पे। हाँ फिर तूने से बोल दूंगी ना तो सही रहेगा। चलो पहले तो इस तरफ तो हो गई पूरी मिट्टी से लिपाई कर दी है, और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं ना, खाना बनाती हूँ चूल्हा नीचे रख के, इसके कारण वहाँ पे तेल के छींटे पड़ पड़ के गंदे हो गए हैं और तेल के छींटे रह गए हैं उस पे। तो ये सब भी सफाई हो जाएगी साथ के साथ, मतलब ये जो दाग हैं ये भी धब्बे हट जाएंगे। और मैं अगर डायरेक्ट मिट्टी से ना लीप के डायरेक्ट ही चूना लीप देती ना, तो वो तेल उभर के आ जाता है वापस। यहाँ तक कि मिट्टी भी लीप दी है फिर भी वो उभर के आ जाएगा, लेकिन उतना उभर के नहीं आएगा, कम आएगा। तो हो गई यहाँ किचन की भी सफाई हो गई। अब जो बाकी काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग? आई होप आप सभी को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जैसे कि आप अलग अलग कंटेंट चाहते हैं उस तरह का ब्लॉग मैं लेके आती हूँ आपके सामने। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ देखिए जो मिट्टी नीचे नीचे गिर गई थी ना, उन्हें पोछे से पहले पोछे से हटा दे रही हूँ मैं, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, वरना पूरे यहाँ पे फर्श पे मिट्टी मिट्टी सा ही नज़र आएगा। तो मैंने पहले क्या किया कि किनारे किनारे जो मिट्टी गिरी थी उन्हें मैंने पोछ लिया है, और उसके बाद अब पूरे फर्श पे पोछा लगा दिया है मैंने। और ये देखिए मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, और जो काले बर्तन होते हैं ना वो कैसे साफ़ होते हैं, तो वो राख से साफ़ होते हैं। गाँव का ये तरीका बहुत अच्छा है। और आजकल जो कुछ साबुन भी ऐसे आ रहे हैं जिनमें बताया जाता है कि राख मिलकर आती है, ऐसा ऐसा सुनने में आया है। मैंने तो यूज़ नहीं किया लेकिन मैं बता रही हूँ। लेकिन राख से आप एक बार ऐसे जो कुकर वाले बर्तन है ना, इन सब को साफ करके देखिएगा, बहुत बढ़िया साफ होते हैं। और ये एक मेरी बहन है जो कि आई हैं, ये मुझसे मिलने आ जाती हैं कभी कदाल, तो ये आई हैं और मैं अपने काम करने में लगी हुई हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ देखिए पूरा जो किचन था वो सफाई हो गई है, नहाना धोना भी हो गया है, कपड़े डालने आ गई हूँ। तो ये हमारा बाथरूम है और यहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।